गाइस अपने सी प्लस प्लस के इस कोर्स में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हेडर फाइल्स कौन कौन से तरह की होती हैं, क्या हेडर फाइल्स के अंदर होता है, इस सब बारे में एक हाई लेवल डिस्कशन और उसी के साथ साथ हम ऑपरेटर्स देखेंगे सी प्लस प्लस में क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो मैं कहूँगा इसको जल्दी से एक्सेस करके बुकमार्क करके यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। अब मैं आता हूँ वापस अपने यहाँ पर आईडीई में, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बनाऊँगा। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है, तो मैं यहाँ पर एक नया वीडियो फाइल बनाऊँगा tut6.cpp, और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा अपने जो हमारा प्रोग्राम होता है उससे। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद इंट मेन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं लिख दूँगा रिटर्न 0, ठीक है, इन मेन रिटर्न 0, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी आउट दिस इज हेलो वर्ड प्रोग्राम। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है बेसिकली, कुछ ज़्यादा नहीं किया है, और यहाँ क्लिक करके इसको रन करूँगा। एक और तरीका रन करने का बता रखा है आपको मैंने, जी प्लस प्लस करके ए डॉट आउट को आप रन करा लें, लेकिन यहाँ पर इतने से काम हो जाएगा। अब ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, ये क्या चीज़ होती है, अगर आप कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो हेडर फाइल है वो खुल जाएगी, और ये कहाँ पर है वो आपको दिख जाएगा कि ये हेडर फाइल कहाँ से निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जो ये आईओ स्ट्रीम फाइल है वो यहाँ पर उसके अंदर ये कंटेंट है ज़्यादा का ज़्यादा। अब ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम हेडर फाइल है, और ये वो हेडर फाइल है जो कि हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती है, यानी कि इन्हेंस करती है, और ऑन टॉप ऑफ दिस हम और फंक्शंस लिखते हैं जो कि इस हेडर फाइल के कंटेंट को यूज़ करते हैं। जैसे कि सी आउट हमने लिखा है, वो आईओ स्ट्रीम से आया, और आईओ स्ट्रीम से आया तो हम सी आउट को यूज़ कर पाए, इस तरह से लिख पाए। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को अभी होल्ड करो आप लोग, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेम स्पेस के बारे में जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हम बार बार कुछ इस तरह से नहीं लिखना चाहते। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूं एसटीडी और इस लाइन को कमेंट आउट कर दूं, तब भी प्रोग्राम जो है कंपाइल और रन हो जाएगा, लेकिन हम बार बार एसटीडी नहीं लिखना चाहते, इसीलिए हम यहां पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक प्रोग्राम जो कि हेडर फाइल को इस्तेमाल करता है। अब हेडर फाइल्स दो तरह की होती हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स, और मैं यहाँ पर ज़्यादा स्लाइड्स या बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कोर्स को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना चाहता हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को नोट्स लेने हैं तो आप इन्हीं वीडियोज़ में से एक्सट्रैक्ट करें, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम हेडर फाइल्स, और मैं लिखता हूँ इट कम्स विद द कंपाइलर, ये कंपाइलर के साथ आती हैं, और ये कंपाइलर के साथ शिप होती है। और जो दूसरी है हमारे पास वो है यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स, और इट इज़ रिटन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, तो ये प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाती हैं, और जो मतलब है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ी बात करता हूँ। देखो, सिस्टम हेडर फाइल्स जो हैं वो आपके कंपाइलर के साथ आती हैं, यानी कि उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स होती हैं वो प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाती है, यानी कि प्रोग्रामर उनको लिखता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सिंटेक्स बताता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स है सिस्टम हेडर फाइल्स का, वो तो हमने यहाँ पर देखा ही, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ उसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारी सिस्टम हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करके जो हमने इंक्लूड करी, और अगर मैं बात करूँ एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल की तो मुझे वो लिखनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी नहीं लिखी है, लेकिन मैं उसको कुछ इस तरह से इंक्लूड करूँगा, और मैं दिस डॉट एच अगर लिख दूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हैश इंक्लूड दिस डॉट एच लिखते ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी दिस डॉट एच फाइल को। अब ये यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि आपके पाथ में ये नहीं है फाइल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मान लो दिस डॉट एच बना दूँ, एक एम्प्टी फाइल मैंने बना दी है, तो ये देखो एरर चला गया, और अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो आप देखो मेरा प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा। लेकिन अगर दिस डॉट एच को मैं रिनेम करके कुछ और कर दूँ, मान लो इसका नाम मैंने चेंज किया, ठीक है, और अब मैं अपनी इस फाइल को रन करने की कोशिश करूं, तो ये कह रहा है दिस डॉट एच कहाँ पर है, ये क्या लिख दिया आपने। तो यहाँ पर जो फाइल आप इंक्लूड करें वो मौजूद होनी चाहिए आपकी करंट डायरेक्टरी में, जैसे कि यहाँ पर है मेरी, तो इसको वापस से दिस डॉट एच कर देता हूँ, और मैं कन्फ्यूजन को हटाने के लिए इस फाइल को डिलीट ही कर देता हूँ, यहाँ से रहने देता हूँ, और इसको लेकिन कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दिस विल प्रोड्यूस एन एरर If this dot h is not present in the current directory, तो अगर current directory में ये फाइल नहीं है तो आप लोगों को ये एरर देगी। तो आप लोगों को एक चीज़ इंश्योर ये करनी है कि अगर आप हैश इंक्लूड दिस डॉट एच कर रहे हैं तो ये आपके करंट डायरेक्टरी में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे
दो तरह की हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स का ज़रा रेफरेंस आप देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट आप लोगों को लिख कर नहीं दिखाने वाला, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो कि मैं करता हूँ एज अ प्रोग्रामर, एज अ सी प्लस प्लस प्रोग्रामर। मैं सी पी पी रेफरेंस वाली वेबसाइट में जाता हूँ, तो मैं सी पी पी रेफरेंस लिखता हूँ और लिखता हूँ फॉर हेडर फाइल्स, और गूगल एक बहुत ऑसम सर्च इंजन है, आप लोगों को सही जगह पर पहुंचा देगा। तो ये n.cppreference.com वेबसाइट है, एक अमेजिंग वेबसाइट है सी पी पी रेफरेंस के लिए, और मैं तो यहीं पर आता हूँ हमेशा। और यहाँ पर देखो ये जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं आपकी, लाइब्रेरी हेडर्स, इंटरफेस ऑफ सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज डिफाइंड बाय द कलेक्शन ऑफ हेडर्स। तो ये सारी की सारी वो फाइल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और देखो इसमें से कुछ जो फाइल्स हैं वो सी प्लस प्लस 20 में भी इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट्स है, को रूटीन है, ये सी प्लस प्लस 20 जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आई है। तो यहाँ पर आप लोगों को और भी चीज़ें दिख जाएंगी, ये अपडेट होते रहते हैं पेजेस। तो ये जो है आप पेज संभाल के रख लें, वेबसाइट का नाम याद रख लें सी पी पी रेफरेंस, और एक हल्का सा भी आइडिया अगर आपके दिमाग में है इस वेबसाइट के नाम का तो आप गूगल पे इसको कभी भी सर्च कर सकते हो आकर। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरह के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पर हमको हेडर फाइल्स दी गई हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स ऐसी भी हैं जो कि रिसेंटली इंक्लूड की गई हैं, जैसे यहाँ पर देखो 2020 में सी प्लस प्लस 20 वाला जो वर्जन है उसमें नंबर्स इंक्लूड की गई है। इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये बताएगा किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगेन अभी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मत जाओ, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो अभी आपको समझ में ही नहीं आने वाला। तो हम लोग देखेंगे और इन सब चीज़ों को भी समझेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए लाइब्रेरी है हमारे पास सी प्लस प्लस में, फाइल सिस्टम लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेप्रिकेट हो चुकी हैं, यानी कि जो अब यूज़ नहीं की जाती हैं। तो यहाँ पर देखो ये डेप्रिकेटेड लाइब्रेरीज हैं कि ये पहले होती थी, अब इसकी जगह पर ये यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी सोची सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स ने, सी प्लस प्लस कमेटी ने, कि इनको चेंज करके अब ये ला देते हैं। कुछ ना कुछ सोचा होगा और सी एजर्ट कर दिया एजर्ट डॉट एच को, तो एजर्ट डॉट एच जो है डेप्रिकेट हो चुकी है, यानी कि इनको कुछ पुराने कंपाइलर सपोर्ट करेंगे लेकिन आने वाले टाइम में इनको सपोर्ट ना करने का प्लान है। इसका मतलब होता है कि जब भी ऐसा होता है तो डेप्रिकेटेड लिखा हुआ मिलता है, कभी भी डेप्रिकेटेड वर्ड आपको मिले कहीं भी प्रोग्रामिंग में तो आप लोग बस ये समझ जाना कि ये जो चीज़ है आने वाले टाइम में इसका यूज़ जो है ख़त्म होने वाला है। और जब भी कोई लाइब्रेरी डेप्रिकेट होती है तो उसके बदले कोई नई चीज़ लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैथ डॉट एच की जगह इन्होंने सी मैथ ले आए हैं। तो ये कह रहे हैं आप सी मैथ का इस्तेमाल करें, मैथ डॉट एच का इस्तेमाल ना करें। ये सारे के सारे फंक्शन हम उपलब्ध करा देंगे मैथ डॉट एच में आपको, यहाँ पर सी मैथ यूज़ करें, मैथ डॉट एच यूज़ ना करें। मतलब जो भी लाइब्रेरी डेप्रिकेट हुई है ये वाली के बजाय ये वाली यूज़ करें, बेसिकली सौ बात की एक बात ये है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको हेडर फाइल्स। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने अपने वी एस कोड में और वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह हम लोग ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑपरेटर्स के बारे में बताऊँगा आप लोगों को। अभी जो हमारा हेडर फाइल्स के बारे में, आई थिंक दिस डिस्कशन इज़ इनफ। अभी तक हमने जितनी बात करी है हेडर फाइल्स की इतना बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हेडर फाइल्स की, सॉरी ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ इस तरह से एंडल लिख दें तब भी आपको नई लाइन मिल जाएगी, यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह से ऐसे कर दूँ, सेव करूँ इसको और रन करूँ, तो यहाँ पर देखो ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस कोलन यहाँ पर मुझे और मैं नई लाइन में आ गया हूँ। तो बैक स्लैश एन हम लोग यूज़ कर सकते हैं और एंडल यूज़ कर सकते हैं हम लोग अगर हम लोग न्यू लाइन में जंप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस में यूज़ होने वाले ये ऑपरेटर्स हैं, और एंडल का मतलब कुछ नहीं है, एंडल का मतलब है कि नई लाइन में जंप करा दो इसको, ठीक है। सो इससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होना। तो नंबर वन जो हमारा है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। और हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, मान लो यहाँ पर इंट ए इज इक्वल टू 4 है और बी इज इक्वल टू 3 है, या 5 कर देता हूँ, तो ए में मेरे 4 है बी में 5 है, तो मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, तो प्लस जो है वो मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसी के साथ साथ मैं इसमें माइनस यूज़ कर सकता हूँ ए माइनस बी, फिर उसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी,
और उसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी, और ये सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं और एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है। तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं सी प्लस प्लस में। और उसी के साथ साथ और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखता हूँ, एक तो मॉड्यूलो है हमारा और इसको परसेंट से डिनोट किया जाता है, और उसी के साथ साथ हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी, तो अगर मैं ए प्लस प्लस लिख दूँ ऐसे ए प्लस प्लस, और उसी के साथ साथ ए माइनस माइनस, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ प्लस प्लस ए, और उसी तरह माइनस माइनस ए भी होता है। और इन सब के बारे में बताता हूँ भाई ये क्या डिफरेंस है इनमें। और अगर आप लोग सी से आ रहे हैं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो कि सी पढ़ के आ रहा है, तो शायद उसको ये लगेगा ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लेने के बाद ये पता चलेगा कि सी प्लस प्लस एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है सी से। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सी और सी प्लस प्लस सेम चीज़ है, या फिर कुछ ऐसा है कि सी प्लस प्लस में थोड़ा सा और है और बाकी सब कुछ सी है, नहीं, काफ़ी कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एंडल लिख देता हूँ, और ये मल्टी कर्सर कैसे बनाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और आप लोग माउस से ड्रैग करेंगे तो ये बनते जाएंगे, फिर मैंने एंड की प्रेस करी तो सारे कर्सर एंड में आ गए। तो ये वी एस कोड की टिप्स है, इस प्रोग्राम को रन करते हैं जल्दी से। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी मुझे 9 मिला, ए माइनस बी माइनस 1 मिला, और ए मल्टीप्लाई बाय बी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, और ए डिवाइडेड बाय बी 0 मिला, इसके बारे में भी बात करता हूँ। ए मॉड्यूलो बी 4 मिला, और उसी के साथ साथ ए प्लस प्लस में मुझे क्या मिला, 4 मिला, ए माइनस माइनस में 5 मिला। ऐसा क्यों हुआ, जब यहाँ पर अब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारे आउटपुट्स एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहला आउटपुट एकदम सिंपल है, ए माइनस बी भी सिंपल है, ए मल्टीप्लाई बी भी सिंपल है। ए डिवाइडेड बाई बी की बात करता हूँ, जब हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट के बाद होता है यानी कि जो इसका रिजल्ट है वो भी एक इंटीजर ही होने वाला है। तो हालांकि 4 डिवाइडेड बाई 5.8 होता है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर होगा, इंटीजर का आउटपुट एक इंटीजर ही होगा। तो 0.4.8 जो है उसका जो 0.8 वाला पार्ट है वो यहाँ पर हमें नहीं मिलता है, सिर्फ 0 मिलता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है, वो एक इंटीजर ही रहता है। तो दो इंटीजर्स के बीच में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो उसका आउटपुट एक इंटीजर ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पर 0 हमको दिख रहा है। अगर 0.99 भी आता तब भी 0 ही होता। तो ये हमारा सी प्लस प्लस का रूल है। उसी के साथ साथ ए मॉड्यूलो बी का आउटपुट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है 4। अब ए प्लस प्लस देखते हैं, जब हम ए प्लस प्लस लिखते हैं सी आउट के बाद तो सबसे पहले तो ए प्रिंट हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है ए प्रिंट कर दो और ए में एक जोड़ दो, तो ए प्रिंट हो जाएगा 4 और ए की वैल्यू हो जाएगी 5। तो यहाँ पर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ए की वैल्यू 5 है, जब लाइन नंबर 19 एग्जीक्यूट हुई तो ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगली लाइन में आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले 5 प्रिंट होगा और माइनस माइनस से फिर से ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ तक 4 थी ए की वैल्यू, तो यहाँ तक ए की वैल्यू 4 थी, जब यहाँ पर इस स्टेटमेंट से गुजरा तो 4 प्रिंट हुआ, फिर ए की वैल्यू 5 हो गई, उसके बाद यहाँ पर जब आया यहाँ पर गुजरा तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 5 थी, क्योंकि ए प्लस प्लस किया हुआ था इसलिए 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद ए माइनस माइनस किया तो 4 हो गई वैल्यू। अब यहाँ पर जब मैं प्लस प्लस ए लिखता हूँ तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है फिर प्रिंट होती है, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में यही डिफरेंस है। ए प्लस प्लस में क्या होता है, पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो, प्लस प्लस ए का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 थी वैल्यू, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, देखो प्लस प्लस ए के बाद 5 प्रिंट हो गया। सिमिलरली माइनस माइनस ए भी वही कहता है, कहता है कि जब मुझसे तुम गुजरोगे तो पहले डिक्रीमेंट करना फिर प्रिंट करना, यानी कि पहले घटा देना एक मेरे अंदर से उसके बाद प्रिंट करना। तो यहाँ पर क्या हो गई, माइनस माइनस ए के बाद वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखें और ज़रूर आपको समझ में आएगा, मैंने काफ़ी क्लियरली आई होप बताया इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में। तो यहाँ पर ये जो मैंने ए प्लस प्लस ऐसे लिखा हुआ है इनको ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एकदम हमारे सिंपल से ऑपरेटर्स जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी। इसके बाद होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हमने यहाँ पर लिखा, इंट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 9, और उसी के साथ साथ अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ कैर डी इज इक्वल टू डी, तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। और मैं यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं बस आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये हमें असाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे द्वारा, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूज़ टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, सेव किया मैंने। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात हमारे होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर,
और कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंपेयर करने में मदद करते हैं हमारी दो वैल्यूज़ को। तो ये ऑपरेटर्स हमें बताते हैं कि क्या दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, क्या दो वैल्यूज़ अनइक्वल हैं, क्या कोई वैल्यू किसी से बड़ी है, क्या कोई वैल्यू किसी से छोटी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग सी आउट लिखते हैं और यहाँ पर वही करते हैं जो कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पर लिखते हैं दी वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी इज, और यहाँ पर मैं ए इक्वल टू बी को प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पर एंडल लिख दूंगा और यहाँ पर इसको रिप्लिकेट करूँगा और बाकी के जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन, उसके बाद यहाँ पर लेस देन, फिर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी के साथ साथ हमारे पास होता है एक नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर इसके बाद लिखता हूँ नॉट इक्वल टू को, और ये मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया। और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, ये कह रहा है नो ऑपरेटर इक्वल टू मैचेस दीज ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर दिक्कत बस ये आ रही है कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लेने चाहिए, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं, और एज अ रूल ऑफ सी प्लस प्लस सबको ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे वरना ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कौन सा ऑपरेटर सी आउट को देना है। तो ये करने के बाद अब इसको रेप्लिकेट करते हैं जल्दी से, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमने यहाँ पर देखा ए इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू, फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद क्या देखें हम, ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद हम लोग देखेंगे लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू के बाद क्या देखेंगे हम, लेस देन इक्वल टू के बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन सिर्फ ग्रेटर देन और सिर्फ लेस देन, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन लेस देन लगा लेता हूँ, तो ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। और ये क्या करेंगे, बेसिकली वैल्यूएट हो जाएंगे जिस हिसाब से हमारी वैल्यूज हैं। तो उसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है मुझे द वैल्यू ऑफ, ये सारे तो प्रिंट हुए, यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे मैंने लिखा था, यहाँ पर इस तरह से अगर मैं लिख दूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर दो हैंडल दे देता हूँ, यहाँ पर दो हैंडल दे देता हूँ एंड में, ताकि ना एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और स्पेस क्रिएट होगी ना तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर सेपरेटर आ जाएगा एक। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, फॉलोइंग अदर टाइप्स ऑफ कंपैरिजन, फॉलोइंग आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पर आ गए, ए इक्वल टू बी क्या बराबर है, ए की वैल्यू क्या थी, चार थी, बी की पाँच थी, दोनों बराबर नहीं है तो जीरो, नॉट इक्वल टू वाला ट्रू है तो वन प्रिंट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या बी से ए, नहीं तो जीरो, लेस देन इक्वल टू, हाँ लेस देन या इक्वल टू में से एक है लेस है तो ये वन आ जाएगा, क्या ए ग्रेटर है बी से, नहीं जीरो, क्या ए लेस है बी से, हाँ वन। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की, और लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एक तरह से भाई होते हैं, तो इनका रिश्ता होता है दोनों का, भाई भाई का रिश्ता होता है। और मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला मैंने, भाई भाई का रिश्ता क्यों होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो ये है हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि मैंने क्या किया कि अगर ये दोनों ट्रू होंगे तब ये ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसको भी यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देता हूँ, ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस, ऑलवेज पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दें चीज़ों को। रन करता हूँ इसको तो देखो ए इक्वल टू बी, मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया द वैल्यू ऑफ दिस लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर इज, और दिस की जगह ये लिख देता हूँ जो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यूज़ किया है। सेव कर दिया इसको मैंने, रन करूँगा और यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया द वैल्यू ऑफ ये एंड ये इज़ ज़ीरो, क्योंकि ए इक्वल टू बी और ये दोनों ट्रू होने चाहिए इसको ट्रू इवैल्यूएट होने के, ये एंड ऑपरेटर है, इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर बोलते हैं। और द वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर इस, मुझे कुछ इस तरह से लिखना था, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली कुछ किया नहीं है ज़्यादा, बस ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर देखते हैं, और का मतलब होता है या तो ये या ये, यानी कि दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, और वो होता है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ ट्रू होगी, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से दोनों चीज़ें ट्रू नहीं थी, क्या ए इक्वल टू था बी के, नहीं, क्या ए लेस देन था बी के, हाँ लेस देन था बी के, यहाँ पर देखो लेस देन था बी के, ए फोर था बी फाइव था, तो यहाँ पर
इन दोनों में से एक चीज़ ट्रू थी, दोनों ट्रू नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जो एंड ऑपरेटर है उसने क्या रिटर्न किया मुझे फॉल्स, क्योंकि एंड को वन इवेल्युएट होने के लिए दोनों चीज़ें ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर और में ये वन आ जाना चाहिए, तो मैं इसको रन करूँगा, तो देखो यहाँ पर और में वन आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी और कर देता हूँ और इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर देखो और में भी यहाँ पर वन इवेल्युएट हो गया है। तो यहाँ पर ये और ये में से एक चीज़ ट्रू है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये ट्रू इवेल्युएट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है, और ये चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है अगर, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है, जो भी रिजल्ट आने वाला है उसका उल्टा कर देता है। ए इक्वल टू बी मेरा क्या प्रिंट करता, ए इक्वल टू बी मेरा जीरो प्रिंट करता, लेकिन अब वन प्रिंट करेगा क्योंकि ये नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बना दूंगा इसको भी। ये जो पार्ट है सी आउट का, ये डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये चीज़ प्रोग्राम समझ रहा है, इसको तो प्रोग्राम एज इट इज़ पटक दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है जिसको प्रोग्राम समझ रहा है और उसकी वैल्यू को यहाँ प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर तो अगर मैं अपना नाम भी लिख दूंगा या फिर अपने पड़ोसी का नाम लिख दूंगा वो भी प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इवैल्यूएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए इक्वल टू बी वैसे जीरो प्रिंट करता, लेकिन क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए अभी वन प्रिंट कर रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सी प्लस प्लस में बिट वाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, और बिट वाइज ऑपरेटर्स को मैं अभी नहीं देखूंगा। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद बिट बाय बिट ऑपरेशन करते हैं। तो अभी मैं बिट वाइज ऑपरेटर्स को यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आगे बिट वाइज ऑपरेटर्स को बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी जो हमारे बेसिक ऑपरेटर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को एकदम यहाँ पर ये जो सिंटैक्स है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं कहूँगा एक बार और आप इस वीडियो को देखें। अगर आपका आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही बेसिक लेवल पे, जिसमें कुछ गलत नहीं है। एक टाइम पर मैं भी बहुत बेसिक लेवल पे था, मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता था, हिम्मत से काम लेता था। और जो भी वीडियोज़ हैं, बुक्स हैं, जो भी आपकी जहाँ से भी रेफरेंस ले रहे हो, अगर ये वीडियो से रेफरेंस ले रहे हो तो मैं कहूँगा इस वीडियो को तीन तीन चार चार बार देखो, आप पकड़ लोगे, क्योंकि मैंने जो बातें बोली हैं उनको बार बार सुन के आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि जो डबल कोट्स के अंदर ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही आपको प्रिंट करके मिलता है, और ये जो चीज़ है इसको आपका कंपाइलर समझता है और उसके हिसाब से वैल्यू प्रिंट करता है। एंडल कुछ नहीं है, एंडल बस एक नई लाइन को डाल देता है, और ये चेनिंग करी है मैंने सी आउट की इस तरह से इस तरह से। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी नया नहीं था चीज़। लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जाएंगे, वहाँ पर फिर सी प्लस प्लस की जो असली ताकत है वो आप लोगों को मालूम चलेगी। सो आई होप कि आप लोगों ने ये प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया होगा। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करें और यहाँ क्लिक करके सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। सारा का सारा जो कोड है यहाँ पर आप लोगों को जो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा अगर मैं सी प्लस प्लस में, तो उसका भी मैं जिप फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है सब कुछ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।